आप देख रहे हैं सीवेन बीसीएन टेक। दोस्तों, जैसा कि मैं डेली आपको एक वीडियो दे रहा हूं, तो आज की वीडियो में हम जानेंगे मेलिंग टैब के बारे में। दोस्तों, जैसा कि मेलिंग टैब का स्क्रीनशॉट मैंने आपके सामने रख दिया है, इसमें देखिए मेलिंग टैब है और इसमें देखिए यहाँ पे एनवेलप, लेबल्स, स्टार्ट मेल, मर्ज, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। दोस्तों, आज एक एक करके सभी ऑप्शंस के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि हम मेल मर्ज कैसे क्रिएट कर सकते हैं, मेल को किस प्रकार से एनवलप बना सकते हैं, लेवल बना सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि मेलिंग टैब होता क्या है, मेल क्या होता है। देखिए, जैसे हमारा ईमेल होता है, तो ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, उसको हम इंटरनेट के माध्यम से जोड़कर इंटरनेट से भेज सकते हैं। मेलिंग का मतलब ये होता है, मेलिंग जो हमारा ये मेल मर्ज बनाया गया है, ये ऑफलाइन यानी बाई पोस्ट या डाक द्वारा भेजने का एक तरीका है संदेश को। तो सबसे पहले हम इसमें संदेश कैसे क्रिएट करेंगे और कोई भी एप्लीकेशन कैसे क्रिएट करेंगे, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, ये भी दोस्तों इसके विषय हम बात कर लेते हैं। तो इसका प्रयोग बड़ी बड़ी कंपनियों में, या आप कहीं किसी ऑफिस या इंस्टीट्यूट या कहीं भी काम कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि वहाँ के 10 लोग हैं या अपने घर से कोई आपको मैरिज एनिवर्सरी के मौके पर आपको कोई पोस्ट करना है या कोई पोस्ट डाक द्वारा किसी को इनवाइट करना है, तो उसके लिए इसका प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। अब सबसे पहले आपको एक कोई, जैसे ऐसे अगर आप करते तो एक एक अलग अलग आपको बनाना पड़ता। वैसे तो हम लोग बाई पोस्ट या फ्लैक्स या जो है हमारे जो भी बाहर के जो हमारे फ्लैक्स वाले डिजाइनर होते हैं उनसे कह के हम कार्ड बनवा लेते हैं, लेकिन बाई द वे जैसे इस समय कोरोना चल रहा है तो इस समय सब लोग नहीं अरेंज कर सकते, तो आप बाई मेलिंग इस ऑप्शन की मदद से बहुत ही आसानी से आप कार्ड तैयार करके भेज सकते हैं और बहुत ही अच्छा लगेगा बाई पोस्ट। तो दोस्तों, कैसे शुरू कर, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जैसे आप कई 10-12 लोग हैं, आप सबको अलग अलग उनके एड्रेस पते पर आइए जो है मेलिंग भेजना या मेल भेजना चाहते हैं, तो आप आसानी से इसके द्वारा भेज सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, उसके बाद आपको बता दें कि हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो भी आपकी क्वेरीज हो वो हमारे कमेंट बॉक्स पे करिए, मैं आपको एक एक करके आपकी सारी शंकाओं का समाधान कर दूंगा। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने देखिए ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लिया है, इसमें मैं यहाँ पे मेल टैब पे जाता हूँ। सबसे पहले मैं इनवलप और लेबल देख लेता हूँ। दोस्तों, इनवलप क्या होता है? इनवलप जो होता है ये सबसे पहला जो पेज होता है, यानी जो लिफाफा में हम जो है लिफाफे में बंद करके मेल को यानी संदेश को या जो है अपनी चिट्ठी को भेजते हैं, वो इनवलप होता है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसे हम क्लिक करेंगे इनवलप के ऊपर, तो देखेंगे कि हमारा इनवलप यहाँ से इस तरह से आ जाएगा। तो देखिए, डिलीवरी एड्रेस, डिलीवरी एड्रेस का मतलब जो जहाँ पे इसको भेजना है उसका आप एड्रेस डालना चाहें तो उसका एड्रेस डाल सकते हैं। जैसे ये मैं आपको एक एक ही लोगों के लिए क्रिएट करने के लिए बता रहा हूँ, अभी मैं मल्टी इनवलप कैसे क्रिएट करेंगे वो भी बताता हूँ। मैं ऐसे एक आपको समझा देता हूँ, जैसे अकेले एक लोगों के लिए बनाना है तो इनवलप आप बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, जैसे यहाँ सबसे पहले मैं यहाँ लिख दूंगा राज कुमार, उसके बाद जो है यहाँ पे एंटर करूंगा और नीचे लिख दूंगा जो भी पता होगा उसका, जैसे मान लीजिए LUCKNOW लखनऊ, या हम जो लिख देते हैं गोमती नगर, गोमती नगर लखनऊ लखनऊ, और पिन कोड नंबर अगर आपको डालना है तो पिन कोड नंबर भी आप डाल सकते हैं, जो भी हो, मैं ऐसे ही कुछ भी डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना एड्रेस सेव करना है, अपना एड्रेस मैं डाल देता हूँ, नाम यहाँ पे सिवेन बीसीएन टेक, उसके बाद कहाँ से भेजना है तो BAC नंबर पचकावा राय बरेली, ठीक है। यहाँ पे और अगर आप कुछ डालना चाहें तो और भी डाल सकते हैं बहुत सारा। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, यहाँ से जैसे मैं क्रिएट करूंगा या यहाँ से जो है ऐड डॉक्यूमेंट करूंगा और उसके बाद यस करूंगा, देखिए ये जो हमारा ये देखिए इनवेलप क्रिएट हो जाएगा। कौन भेज रहा है? सिवेन बीसीएन टेक भेज रहे हैं। किसको भेज रहा है? राजकुमार, और जो है गोमती नगर लखनऊ को भेज रहे हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे इनवेलप क्रिएट कर सकते हैं हमारा लिफाफा। अब हम प्रिंटिंग वाली अपनी
अपने प्रिंटर पे वो जो हमारे डॉक्यूमेंट ये एनवलप किसी दुकान या स्टेशनरी दुकान में मिलते हैं, इनको लाके इस पे हम प्रिंट कर लेंगे तो इस तरह से प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह लेबल, अगर आप लेबल लगाना चाहें जैसे छोटे छोटे स्टीकर लगाना चाहें तो आप छोटे छोटे स्टीकर लगा सकते हैं, इनको लेबल कहा जाता है। देखिए लेबल में मैंने उसका एड्रेस डाल दिया और डालने के बाद यहाँ से यहाँ न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके ओके कर लूँगा। देखिए ये देखिए लेबल हमारा क्रिएट हो जाएगा। इसी तरह जितने लेबल आपको बनाने हैं, देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे लेबल मैंने एक क्रिएट किया था। आपको जितने सिंगल लेबल या जो है फुल पेज लेबल, मैं सिंगल लेबल पे क्लिक करता हूँ और कितनी रो और कितनी कॉलम में बनाना है उसका आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे, कितने कॉलम और कितने रो में बनाना है। तो उसका मेंशन करने के बाद आप यहाँ से उतने रो और उतने कॉलम यानी बना पाएंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राज। उसके बाद देखिए यहाँ जितना बनाना है आपको उतना बढ़ा देंगे, बढ़ाने के बाद प्रिंट कर देंगे। देखिए उतने रो और उतने कॉलम में हमारे ये जो रोज होंगे प्रिंट हो जाएंगे। तो मैं लेबल को डिलीट कर देता हूँ जो यहाँ पे बनाई हुई थी। उसके बाद ये क्या करते हैं, सबसे पहले इसको कहीं सेव करने के लिए मांग रहा है, मैं इसको सेव नहीं करूंगा क्योंकि ये उस तरह नहीं बना। तो ये हमारा लेबल, और ये हमारा हो गया लेबल, और दूसरा ऑप्शन हो गया इनवेलप। अब देखिए मेल मर्ज को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेल मर्ज कैसे करते हैं, तो देखिए मैंने ये देखिए एक ये एक प्रकार से मैंने मैरिज में बुलाने के लिए ये देखिए एक वो क्रिएट कर लिया है फॉर्म। इस तरह से हम एप्लीकेशन या लेटर हम टाइप कर लेंगे, जो भी आपको टाइप करना हो, मैंने इसको पहले से ही टाइप कर लिया है। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए एक इसको करने के लिए दो ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन तो ये है कि अगर आप इस यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है यहाँ पे स्टार्ट मेल मर्ज, इस पे जाएंगे और स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड में जाके इस पूरे ऑप्शन को एक जितने भी ऑप्शन है सारे एक साथ किए जा सकते हैं। इसका प्रोसेस देख लीजिए, इसका प्रोसेस थोड़ा बड़ा है, आप आसानी समझिए आ जाएगा। देखिए सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड में जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे लेटर क्रिएट करना है तो लेटर में जाएंगे, अगर इनवलप क्रिएट करना है तो इनवलप में जाएंगे, अगर लेबल क्रिएट करना है तो लेबल में, और डायरेक्टरी क्रिएट करना है तो डायरेक्टरी में। लेबल और इनवलप मैंने क्रिएट करना बता ही दिया, जैसे एक क्रिएट करना बताया है वैसे ही आप बहुत सारे भी इसी तरह मल्टी में क्रिएट कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे हमारा ये इसको हम जो है यहाँ से हमारा लेटर हम क्रिएट कर रहे हैं तो लेटर पे क्लिक करेंगे, यहाँ नेक्स्ट और नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो हम आएंगे टाइप ए न्यू लिस्ट पे क्लिक करेंगे और क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए हमारी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। लिस्ट क्या होती है, इस लिस्ट में उन व्यक्तियों के नाम और पते और एड्रेस और जो है कंपनी नेम, अगर किसी कंपनी में है तो कंपनी नेम, इसको क्रिएट करेंगे और क्रिएट करने के बाद इसको सब सभी जो हमारा लेटर बना हुआ है उसके उसको अटैच करा देंगे। तो जितने भी हम यहाँ डाटा सेव करेंगे उतने लोगों का नाम पता एड्रेस और कहाँ भेजना है उसके विषय में पूरी डिटेल बन के आ जाएगी। तो देखते हैं, आइए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए टाइटल, अगर आप टाइटल बदलना चाहें, फर्स्ट नेम की जगह लास्ट नेम ये सब बदलना चाहें तो आप यहाँ कस्टमाइज कॉलम पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ आ जाएगा, अगर आप फर्स्ट नेम को बदल के नेम केवल करना चाहे, लास्ट नेम को डिलीट करना चाहे या फादर नेम करना चाहे तो आप कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ फर्स्ट नेम पे आएंगे और रीनेम ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए फर्स्ट नेम हमारा आ जाएगा, यहाँ पे मैं केवल नेम कर देता हूँ, कर दिया ओके कर दिया। तो देखिए हमारा जो होगा ये फर्स्ट नेम की जगह नेम से हो जाएगा। लास्ट नेम की जगह जाएंगे यहाँ पे हम जो है फादर नेम कर देंगे, फादर नेम, तो मैं फादर नेम कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। तो अपने अनुसार आप टाइटल कम ज्यादा अगर किसी को डिलीट करना है तो आप यहाँ डिलीट भी कर सकते हैं और जिसको लेना है उसको ले सकते हैं। जैसे यहाँ बहुत सारे हैं तो मैं थोड़े कुछ को डिलीट भी कर देता हूँ तो वो डिलीट हो जाएंगे, इसमें कोई आप अपने अपने आवश्यकता अनुसार इनको ले सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ ले लिया। अब मैं इस लिस्ट को भर के दिखा देता हूँ कैसे भरते हैं। तो सबसे पहले टाइटल में मान लीजिए मिस्टर डाल देते हैं, नेम में मान लीजिए यहाँ पे नेम जो भी हो, जैसे मैं राजकुमार डाल देता हूँ, राजकुमार। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है फादर नेम, इनके फादर का नेम है राजू। उसके बाद देखिए एड्रेस में मान लीजिए मैं यहाँ जो भी डाल देता हूँ, जो भी आपका एड्रेस हो वो डाल दीजिएगा, गोमती नगर नगर। उसके बाद सेकेंड एड्रेस लाइन में हम डाल देंगे लखनऊ, लखनऊ डाल दिया हमने। उसके बाद देखिए सिटी में लखनऊ पड़ेगा, यू सी
सॉरी एक मिनट, मैं इसको साल्ट में एल के ओ डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद स्टेट्स में यूपी हो जाएगा। इसी तरह कंट्री नेम और रिव्यू, बहुत सारे होम वर्क फोन, ये सारी चीज़ें आप भर लेंगे। उसके बाद दूसरा अगर एंट्री करनी, दूसरी जब ये सारी एंट्री क्रिएट हो जाए, यानी आपको पता यानी आप देख लें कि हमारी 10 एंट्री 20 एंट्री जितने लोगों को भेजना है उतनी कम्प्लीट हो गई, तो आप इसको ओके कर दीजिए। मैंने इसमें एक ही एंट्री की है। उसके बाद ओके करने के बाद ये सेव करने के लिए डेटा कहेगा कि आप सेव कर सकते हैं, तो डेटा को किसी नाम से आप सेव कर सकते हैं। मैंने सेव कर दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा प्रीव्यू दे देगा ये ऑप्शन जो हमारा है, ये देखिए एडिट, ये हमारा ऑप्शन एडिट है। एडिट देखिए इसी ऑप्शन पे आए हैं, तो ये दूसरा ऑप्शन हम कर रहे हैं। पहला वाला कर चुके हैं, दूसरा कर रहे हैं। इसमें मैं देखिए दूसरे वाले डेटा को हटा देता हूँ, पहले पे चेक मार्क, क्योंकि हमारा पहला डेटा है तो इसको हम चेक मार्क करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे ओके कर देंगे। तो देखिए जैसे ही हम ओके करेंगे तो हमारा इतना काम हो गया। अब नेक्स्ट राइट योर लेटर करेंगे, उसके बाद यहाँ से एड्रेस ब्लॉक वाले ऑप्शन को यस इनेबल कर देंगे। एड्रेस ब्लॉक में जिस तरह से जिस हिसाब से आपको एड्रेस रखना है उस हिसाब से आप क्लिक करके और ओके कर देंगे। तो देखिए हमारा एड्रेस ब्लॉक आ गया। अब हमको जो भी हमारा एड्रेस ब्लॉक ऑप्शन लग गया है, अब हम यहाँ जो भी डेटा या जो भी मैसेज टाइप करना चाहें वो हम यहाँ से, जैसे मैं इसी मैसेज को जो है यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे एड्रेस ब्लॉक वाले जिसमें मैंने लगाया था इस पे आ जाएंगे, ओके कर देंगे। तो देखिए हमने टाइप कर दिया, और टाइप करने के बाद देखिए यहाँ प्रीव्यू योर लेटर जैसे ही क्लिक करेंगे, तो देखिए मैंने जो बनाया था मिस्टर राजकुमार गोमती नगर लखनऊ LKO UPDR, ये देखिए इनका पूरा डिटेल यहाँ पे आ गया, और नीचे जो भी आपने इन्विटेशन लिखा हुआ था वो भी आया हुआ है। तो इस तरह से जितने आपने बना रखे होंगे, जैसे मैंने एक ही एंट्री सेव की थी, आप 2-4 6 करके देखेंगे, तो देखिए यहाँ इस तरह से इस पे और इधर, इससे आप प्रीवियस पे जा सकते हैं, इससे आप नेक्स्ट पे जा सकते हैं। अगर इसको पूरा फाइनल प्रिंट करना है तो यहाँ फिनिश मर्ज पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से दो ऑप्शन है, एक एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, एक प्रिंट डॉक्यूमेंट। तो प्रिंट डॉक्यूमेंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसका पूरा ऑल करना चाहे तो ऑल रिकॉर्ड, यानी जितने रिकॉर्ड है एक करना चाहे एक को, और जहाँ से जहाँ तक करना चाहे वहाँ से वहाँ तक। तो मैं यहाँ करेंट कर देता हूँ क्योंकि मेरा एक ही रिकॉर्ड बना है, ओके कर देंगे। तो देखिए हमारा डॉक्यूमेंट इस तरह से प्रिंट करने के लिए आ जाएगा। यहाँ से आप प्रिंट करके इसको प्रिंट निकाल के जहाँ पे बाई पोस्ट मैंने एनवेलप भी बनाना बताया है, उस एनवेलप में इसको भर के यहाँ नाम एड्रेस पता वगैरह डाल के आप इसको भेज सकते हैं। अब दूसरा तरीका देख लेते हैं, इसको मैं वापस कर लेता हूँ। अब दूसरा नेक्स्ट तरीका देखेंगे। देखिए सबसे पहले मैंने इस तरह लिख लिया था, अब देखिए स्टार्ट यहाँ पे आपको आना है। देखिए जैसे मैंने कि इसमें आपको कोई लिस्ट सेलेक्ट करनी है, तो यहाँ पे देखिए सेलेक्ट रेसिपिएंट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से देखिए यह हमारा, अगर आप न्यू लिस्ट बनाना चाहें तो टाइप है न्यू लिस्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर न्यू लिस्ट नहीं बनाना चाहते हैं आप, कोई पुरानी लिस्ट जो ऐड है आपकी, जैसे आपके पास कोई एक्सेल शीट वगैरह है तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। कैसे, यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद देखिए हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो देखिए हमारा जो डेटा सेव होगा, अगर आपका जहाँ डेटा, जैसे मेरा डॉक्यूमेंट पे डेटा है तो डॉक्यूमेंट पे जाके सेव कर सकते हैं। देखिए मैंने एक राजू नाम से भी डेटा बनाया था, तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओपन कर देंगे। तो देखिए हमारी लिस्ट उसी तरह ओपन हो जाएगी। अब इसको हम देखेंगे कैसे, यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे, एडिट रेसिपिएंट और लिस्ट। इस पे देखिए हमने बहुत सारे डेटा बनाया था, तो देखिए डेटा पूरा आ रहा है। अगर किसी डेटा को आप एडिट करना चाहें तो इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ इसको सेलेक्ट करके आप यहाँ एडिट ऑप्शन पे क्लिक करके इसको एडिट भी कर सकते हैं। देखिए इसमें जो भी डेटा आप एडिट करना चाहें एडिट कर देंगे, ओके कर देंगे। उसके बाद देखिए यस कर देंगे। उसके बाद देखिए क्या करना है, यहाँ ओके जैसे मैंने किया तो ये हमारी लिस्ट सेलेक्ट हो गई। समझो हमारी लिस्ट, मैंने जो भी इसमें करेक्शन करना था यानी जो भी हम एडिटिंग करनी थी वो हमने कर लिया है। अब देखिए यहाँ नेम ऑफ द रिसीवर है, अगर रिसीवर का आप नाम देना चाहते हैं तो देखिए रिसीवर का नाम देने के लिए तो यहाँ पे हम इंसर्ट मर्ज फील्ड करेंगे। यहाँ पे हमको टाइटल देना है, और टाइटल के बाद जो है इंसर्ट यानी नेम देना है, तो मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ इस तरह से। देखिए मैंने एक मिनट, इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मैं इसको दोबारा बैक कर लेता हूँ। जैसे यहाँ मैं फील्ड पे क्लिक करता हूँ तो एड्रेस फील्ड पे क्लिक करेंगे या डेटाबेस पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे हमने टाइटल टाइटल पे क्लिक किया तो मिस्टर आ रहा है यहाँ पे। आपको दोबारा एक नया पेज ले लेते हैं, इसमें यहाँ पे इस डेटा को यहाँ पे नहीं आना था, इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, इस ऑप्शन को क्लोज कर लिया। उसके बाद दूसरा यहाँ पे हमने न्यू पेज लेके आपको दिखाते हैं। ये मैंने न्यू पेज एक बार इसमें कर लिया है काम, तो इसलिए इस तरह से आ रहा है। फिर से मेलिंग पे जाएंगे और देखिए यहाँ पे मैं
यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ डेटा को, मैं वही जो मैंने सेलेक्ट किया था राजू वाली फाइल, उस फाइल को मैं जल्दी से सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये सब तो मैंने किया ही है, आप एक स्टेप बाई स्टेप देखें, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। एडिट मुझे नहीं करना तो मैं एडिट नहीं करूँगा। इसी तरह अब वहाँ वाली जो हमारा जो था, जो यहाँ पे लेटर हमने टाइप किया था, उस लेटर को मैंने पहले से कॉपी कर लिया था, बस इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखिए डियर यहाँ लिखा हुआ है, रिसीवर का नाम मुझे यहाँ देना है, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंसर्ट मर्ज फील्ड पे जाके इस टाइटल को ओके करके इंसर्ट करा देंगे। ठीक है, तो देखिए ये देखिए इस तरह से टाइटल यहाँ पे हमारा आ जाएगा, देखिए इस तरह से आना चाहिए टाइटल। उसके बाद नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, नेम भी इसी में, इसी जगह पे नेम, रिसीवर का नेम भी हम इसी जगह ऐड कराएंगे, तो दोनों चीजें मैंने इंसर्ट कर ली। अब उसके बाद हमको एड्रेस, मान लीजिए एड्रेस यहाँ पे चाहते हैं, इस जगह पे, यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, टाइटल को और नेम को, यानी मिस्टर और मिसेस और जो भी नाम है वो एड्रेस में, हम यहाँ पे एड्रेस का फर्स्ट लाइन एड्रेस भी वही होता है, सेकेंड लाइन एड्रेस भी होता है, यहाँ पे आपको जो है सिटी भी यहीं पे हमको ऐड करानी है क्योंकि हमको एड्रेस भी देना है, स्टेट भी ऐड कराना है, और उसके बाद पिन कोड भी ऐड कराना है। देखिए सब चीज़ मैं इसलिए, ये मेरा जो डिटेल मेरी बनी हुई है ये दूसरे टाइप की है, आप अगर अपने अनुसार डिटेल बनाइए, उसमें जो भी आप ऐड करिए, जो ना समझ में आए आप अपनी डिटेल हमको फॉरवर्ड कर दीजिएगा, हमारे पास भेज दीजिएगा, तो मैं उसको आपको बताऊंगा किस तरह से ये करना है। देखिए इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से क्लिक करके इसको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको, कि मैंने यहाँ यहाँ पे इसको बोल्ड कर लेता हूँ, तो ये पता रहेगा कि मैंने यहाँ यहाँ पे फील्ड इंसर्ट की थी, तो ये चीज़ें आएगी नहीं। अगर आप यहाँ थोड़ा स्पेस देना चाहें या कॉलम लगाना चाहें तो आप स्पेस भी दे सकते हैं अपनी फील्ड पे, ठीक है ना। तो इस तरह से मैंने स्पेस नहीं दिया है। उसके बाद देखिए क्या करते हैं, फिर से मेलिंग पे आएंगे। अब ये हमारा लास्ट ऑप्शन हो गया, यहाँ पे मैं अगर एड्रेस ब्लॉक करना चाहूँ तो एड्रेस ब्लॉक कर सकता हूँ, अगर मैं ये देखना चाहूँ कि कहाँ कहाँ मैंने इसको जो है मेल मर्ज को इंसर्ट किया है, मेल फील्डिंग को या मर्ज फील्ड किया है, उस पर क्लिक करेंगे तो जहाँ जहाँ हमारी फील्ड मर्ज हुई वहाँ वहाँ हाईलाइट हो जाएगा, देखिए इस तरह से। उसके बाद देखिए अब हमको देखना है, तो हम देखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए प्रीव्यू रिजल्ट कर देंगे। जैसे ही हम प्रीव्यू रिजल्ट करेंगे तो हमारा डेटा जो है, देखिए मिस्टर राजकुमार, और यहाँ पे मैंने स्पेस नहीं दिया था, आप स्पेस दे के देखेंगे तो और अच्छी तरह से आएगा। और डेटा हमारा दूसरा देखना है तो दूसरा क्लिक कर सकते हैं, तीसरा देखना तीसरा क्लिक कर सकते हैं, चौथा देखना, जितने डेटा हमने बनाए हैं उनको अलग अलग प्रीवियस या रेस्ट करके यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप उसको फिनिश करना चाहें तो फिनिश करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे फिनिश मर्ज कर देंगे, और देखिए यहाँ पे एडिटिंग इंटरवल है, जो भी प्रिंट डॉक्यूमेंट करना है या आल को करना है तो आल पे टिक करके ओके कर देंगे। तो देखिए क्या करेंगे, ये हमारा प्रिंट करने के लिए आल पे टिक करके, जैसे ही हम ओके करेंगे तो प्रिंटर से हमारी अलग अलग पेज में अलग अलग कॉपी निकल आएगी। अगर आप यहाँ दूसरा एडिटिंग इंटरवल लेटर करना चाहें तो इसको क्लिक करके ओके कर देंगे, उसके बाद देखिए ये लेटर के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए अलग अलग पेज में हमारा, देखिए पहला वाला बन गया है, मिस रागनी का बन गया है, इस तरह चौथा बन गया है, इस तरह इसमें आप अलग अलग सारी प्रिंटिंग को कर सकते हैं। और इसको आसानी से निकाल के, केवल बस इसको आपने निकाला और इसको फोल्ड किया, फोल्ड करने के बाद मैंने एनवेलप बना के दिखाया, एनवेलप में आप इसको भर के अपना पेज जो है फॉरवर्ड कर सकते हैं, मतलब कहीं भी इसको भेज सकते हैं। इनवेलप स्टेप बाय स्टेप, अगर आप इनवेलप बहुत सारे बनाना चाहें एक साथ तो इनवेलप में जाएंगे और यहाँ देखिए नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके यहाँ से क्रिएट इनवेलप ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से जितने इनवेलप आपको क्रिएट करने हैं, देखिए यहाँ पे साइज दिया गया है, कितना साइज है, ये साइज हो गया। फॉन्ट अगर आप ऑटो लगाना चाहें, फॉर्मेट फॉन्ट में यहाँ ऑटो प्रीव्यू चेंज करना चाहें, यहाँ से आप ओके करके जो भी आपको क्रिएट करना है तो वहाँ पे आप मल्टी, ये देखिए मल्टी वाले भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ये मेलिंग ऑप्शन था दोस्तों, इस मेलिंग ऑप्शन को करिए। जहाँ पे मुझे समझाने में या आपको समझने में कोई प्रॉब्लम हुई हो तो आप हमारे इस जो हमारा इस वीडियो है इसके नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया है, कमेंट बॉक्स पे क्लिक करिए, और जो भी अगर ना समझ में आए, जो भी आपकी क्वेरी हो तो आप हमसे शेयर करिए, अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले नई वीडियो में।